गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 5 और डुगडुगो तैयार हो गया है दही खाने के लिए। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद उसे दही खाना होता है। और इधर हमारी माता जी भी उठ गई हैं, मैंने चाय चढ़ा दी है। सुबह उठते ही गर्म पानी पीती है थोड़ा सा, उसके बाद चाय पीती है। और चाय के साथ साथ मैंने डॉग्स के लिए खाना डाल लिया है। इधर चाय तैयार है, माता जी को चाय दे देते हैं, डॉग्स को खाना खिला देते हैं। और 5 बजे हमारा प्लॉट का नल आ जाता है, 5 से 6 एक घंटा आता है ये नल। और इस दौरान मुझे अभी सारा इस प्लॉट में पानी देना है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। होना तो ये चाहिए सुबह शाम, मतलब पौधों में पानी दिया जाए, लेकिन शाम को पानी गर्म रहता है। और देखिए गर्मी की वजह से इसने ब्रू ने अपनी जगह अभी से संभाल ली है। ये यहीं किन्नू के पेड़ के नीचे पूरी दोपहर रहेगा। ब्रू और काली दोनों यहीं पे रहते हैं, ब्रू कभी कभी आता है। मेरे नींबू की हालत देखिए, फ्रूटिंग तो इतनी अच्छी हो रखी है, सारे फ्रूट दिख रहे हैं लेकिन नींबू के, लेकिन और जो पत्तियां हैं वो पीली होके वाइट होके झड़ चुकी हैं गर्मी की वजह से। अब बेचारे इन फ्रूट्स का पता नहीं क्या होगा, जब पत्तियाँ नहीं है तो खाली नींबू लटकते हुए कैसे लगते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल लाइट लगती है ना, छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं इस टाइप से। आप देख सकते हैं फ्रूटिंग तो काफ़ी अच्छी हो रखी है, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, लेकिन अभी गर्मी के हिसाब से नहीं पता इन बेचारों की क्या हालत होने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है बस सूख ही जाएंगे शायद। हर टहनी पे नींबू के पूरे गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। और ये मेरा मौसमी का पेड़ है, अभी सही सलामत है। हालांकि काफ़ी मौसमियाँ जो हैं झड़ चुकी थी आंधी की वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है इस पर और काफ़ी अच्छे तरीके से अभी बची हुई है। गर्मी की मार मेरे ख्याल से अभी इस पर नहीं लगी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है, कितनी सारी मौसमियाँ लगी हुई हैं। और जो कि बहुत सारी तो मौसमियाँ झड़ गई थी इतनी बड़ी बड़ी होके ही। देखो अब इस पे गर्मी का कितना क्या असर होता है कि अभी फ़िलहाल टेम्परेचर बहुत ही हाई जा रहा है। और अभी तो मौसम विभाग ने बताया है कि अभी तो काफ़ी गर्मी पड़ेगी। और ये है मेरे किन्नू का पेड़, इस बार इस पे फ्रूटिंग काफ़ी कम हुई है क्योंकि किन्नू काफ़ी लगे हुए थे तो हमने इस पे कटिंग नहीं की थी, कटिंग लेट करने की वजह से इसकी फ्रूटिंग काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा होने लगे थे। और ये है अमरूद, अमरूद पे भी फ्रूटिंग आई हुई है, बस डर खाली गर्मी का ही है कि गर्मी की वजह से पौधे ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। नहीं, अमरूद पे भी फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी है इस प्लॉट में भी और उस वाले प्लॉट में भी। और ये देखिए हमारे नालियों में जो पानी की वेस्टेज हो रही है, वो देख सकते हैं कैसे नदी की तरह इसमें पानी बह रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने वाल्व नहीं लगा रखे कि कुछ भी मतलब भर गया है तो उसे बंद कर दो। हाँ, पानी आप डाल लेते, खूब डाल लेते, यहाँ तो कर रखे ना अपने काम, अपना काम तो नहीं करूं तो फिर क्या, सारे वाल घुमा दिए दिया। हमारी माता जी को किसी तरह भी चैन नहीं है, सारे वाल घुमा देती हैं, पानी कहीं का कहीं जाता रहता है। ओम शांति में से आने के बाद आराम से केला खा रही हैं। और काम इतना ज़्यादा था कि मैं इतनी सुबह खाना नहीं बना पाई। और अभी हमें फ़िलहाल रेवाड़ी जाना है तो मैंने सोचा चलो माता जी केला तो खा ही चुकी हैं, मैंने उनको दूध और ब्रेड दे के अभी ठीक है उनको एक तरह से ब्रेकफास्ट दे दिया है और हम निकल चले हैं अभी। आके फिर मैं उनके लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में क्योंकि जो ये हमारा भांजा है उसका एक्सीडेंट हो गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि अभी मतलब सही सलामत है, नहीं एक्सीडेंट काफ़ी बुरा हुआ था, गाड़ी का बिल्कुल कचूमर बन गया था, लेकिन शुक्र मनाते हैं भगवान का कि इसकी जान बच गई। अभी कल ही इसका ऑपरेशन हुआ है और 1.5 महीने का रेस्ट बताया है। बस प्रे कीजिए कि सब कुछ सही सलामत हो और जल्दी से ही अच्छा हो जाए। और आपको पता है यहाँ मैं एक आंटी से मिली, कभी कभी होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे इंसान मिलते हैं कि पल दो पल में वो हमें अपने से लगने लगते हैं, उनका जो व्यवहार होता है
और जो उनकी बातें होती हैं इतनी अच्छी लगने लगती है, जैसे हमें इंस्पिरेशन दे रही हो कुछ ना कुछ। तो ये जो कपल है, दोनों ये हस्बैंड वाइफ, बहुत ही प्लेजेंट नेचर के थे, काफ़ी पॉजिटिविटी एक तरह से उनके साथ फील हो रही थी, और इन्होंने लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है, अपने बच्चों को अच्छे से सेटल किया है, और ये दोनों ही इंग्लिश के लेक्चरर थे राजस्थान में। मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे एक मीनिंगफुल लाइफ इन्होंने जी है, और इनसे मिल के एक इंस्पिरेशन से मिल रही थी कि हाँ लाइफ हो तो इस तरीके की। हमारी गाड़ी का हुआ था, आपकी गाड़ी का बता रहे हैं, 2016 की बात है, 2016 जनवरी में सकरात के बाद हम मिल के आए थे। अब गाड़ी का क्या है जी, देखो वही वाली बात है। फिर बच्चों ने क्या गिफ्ट दिया आपको? बच्चों ने क्या कहते हैं, एक ने तो माइक्रोवेव दिया। अच्छा। माइक्रोवेव लगा के रिपीट करके ऑनलाइन मंगा के। अच्छा। वो यूएस वाले ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेटी लाई एक तो वो कछुआ नहीं होता पानी में डाल, अच्छा कछुआ ना ऐसे प्लेट में आजकल नहीं आते हैं वो क्रिस्टल वाला वो, हाँ वो। अच्छा। और एक इतना बड़ा डब्बा ड्राई फ्रूट्स का। अच्छा। मगर मेरे लिए मैंने मना कर दिया था, मुझे फोटो तस्वीर कुछ नहीं दूंगा ना, मुझे नहीं चाहिए, क्या कहाँ लगाऊंगी। सही बात है। अच्छा। और बड़ी बहू ने? और बड़ी बहू ने इनका 6,000 का वो भेजी ड्रेस ऑनलाइन। अच्छा। और एक बहुत बड़ी फ्रेम करवा के लाई घर आओ मेरे, देखा 50 साल का जो भी है शादी से अब तक की सब छोटी छोटी सब मेमोरी फोटो एक साथ करा के और 50 ईयर्स लिख दिया। देखो उसको देखने के बाद फिर आप जवान हो गए। हाँ? उसको देखने हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं करे और आपने ये किया, मगर मैं तुम्हारी माँ कोई बात नहीं। चलो बढ़िया, आपने काफी कर दिया नहीं, नहीं, क्या ही है, हाथ से तो वो सही है, पीछे का तो आप तक मिले नहीं, क्या सही बात है, शादी में क्या नहीं दिया, दिया था। दोनों के 10-10 तोड़ा सोना चढ़ा रखा है। अच्छा। उसका अलग है, उसका अलग। अच्छा, एक को 18 साल हो गए, एक को 12 साल हो गए, मुझे नहीं पता था क्या दे रखा है। वो कर रखी है सोडियम क्लोराइड, नमक को कहते हैं, ये मिला के डालते हैं जी उस बड़ी में। अच्छा। कई बार ये खाली करके रख रखे ना, कई बार छोटी में लगाते हैं वो ये सर। हमारे दोनों खेल नहीं सकती। फोटो का बड़ा चार लग रही है, फोटो इन्होंने इन्होंने अपना अलग से वो बना रखा है यूट्यूब चैनल, ये तो सही है, आपको मैंने दिखाया ना अभी उस पे हमारी बात की। अच्छा, वो दिया था उसने, लड्डू दिए थे, लड्डू दिए थे मम्मी ने, मुझे एक ही घर देख के गई थी, मगर मुझे टाइम नहीं है, बड़ी बहू भी साथ थी, बड़ा बड़ा बेटा भी था। अच्छा। एक बदरा था, फिर मास्टर जी को फोन लगाया। तो चलिए, दीदी और जिया जी से हमने विदा ली, और इन कपल से मिलके इतना अच्छा लगा, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब कह सकते हैं हम उनको, एक एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट हो रखा था उनकी वजह से। और दोपहर को 1 बजे हम घर पे पहुंच गए, आते ही माता जी ने खाने के लिए पूछा, खाना लिया, तो फटाफट से मैंने आटा लगाया और जल्दी से रोटी बना दी। सब्जी बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि माता जी इतना नहीं रुक पाती, इसलिए उनको मैंने दही रोटी और अचार दे दिया है, और मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी थी क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा, आज मंदिर के बाबा ने टमाटर दे दिया आपको, प्रसाद में टमाटर बटने लग गया, तो मेरे माता जी। और ये मेरे घर के शरारती बंदर, देखो किसी बंदर से कम नहीं है ये भी, अभी बुद्धा जी के सर पे सवार होके बैठ गया है ये छुटकी का भाई, और नीचे डुग्गू बेचारा लाचार, कुछ नहीं कर सकता, इन लोगों से पिटता ही रहता, बल्कि कोई ना कोई बेचारे डुगू की तो पिटाई ही कर देता है, कभी छुटकी थप्पड़ लगा देती है, तो कभी इसका भाई एकदम से सीधे सामने आके खड़ा हो जाता है इस डुगू को डराने के लिए, और डुगू इतना फ्रेंडली नेचर का है ना कि बस हर किसी से डर ही जाता है, डराना तो इसको आता ही नहीं है, और इसलिए शायद हर छोटे से छोटा जीव जो है ना इसको पीट के चला जाता है।
ये ग्लूकोज पियो और घर में रहो, गर्मी है। हाँ कहीं मत जाना अब, कुछ नहीं लाना, चुपचाप इसे पी लो और आराम से बैठो। शाम के 6:30 बजे तक इतनी गर्म हवा चल रही है, रैबिट नहीं पता बाहर निकलेंगे या नहीं निकले। हम चले प्लॉट में।